नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं सुबह से, और अभी बज रहे हैं 7। तो गाइज, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं सुबह से। सामने से सूर्योदय प्रकट हो चुके। तो गाइज, हमारे सफर की शुरुआत हो चुकी है चंबा से, और आज हमारा प्लान है जाने का। कर्णाताल से 2 किलोमीटर की दूरी पे है कोडिया इको पार्क। तो हम दो ही व्यक्ति थे, एक डोभाल जी और एक मैं, और आप देख सकते हैं, और आसमान पे एक और शानदार नज़ारा था। और देख सकते हैं आप किस तरह हमने आपको दिखाने की कोशिश की अच्छे से अच्छा। तो आप देखते रहिए, बने रहिए, वीडियो को लाइक करें। सामने से हिमालयन रेंज, इसीलिए यह लोकेशन बहुत खास बनाती है इस कैंप की लोकेशन को। आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? कर्णाताल दिल्ली से 336 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप दिल्ली से आते हो तो बस या ट्रेन से तो आप पहुँच सकते हो ऋषिकेश, और ऋषिकेश से चंबा के लिए आसानी से बस मिल जाएगी, और चंबा से कर्णाताल लोकल कन्वेंस आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप बाई ईयर आते हैं तो आप पहुंच सकते हैं देहरादून। देहरादून से आपको धनोल्टी के लिए बस मिल जाएगी, और धनोल्टी से कर्णाताल के लिए लोकल कन्वेंस मिल जाएगा। कोडिया इको पार्क कला महिंद्रा के साथ सामने पहुंचते ही आपको यहां से कोडिया इको पार्क के लिए जंगल सफारी के लिए मिल जाएगा, और यहां से आपका आगे का सफर बहुत ही शानदार और सुंदर। हमारी जंगल सफारी कोडिया इको में जा रहे हैं हम। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त हम ये कोडिया इको पार्क में हैं, और ये चंबा से लगभग 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और इसका हमने जो है भ्रमण किया है, घूमे फिरे हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये आज की डेट में बहुत ही वीरान पड़ा है, सुनसान पड़ा हुआ है। उत्तराखंड का एक बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल है, इस पर आप आएँ, घूमें फिरें। नहीं है, ऑफ रोडिंग है, बट उतना बड़ा ट्रैक नहीं है जिससे कि दो गाड़ियां आपस में इधर उधर जा सके। तो गाइस आइए और आप यहां का लुत्फ उठाइए, और आगे वीडियो में बने रहिए और देखिए। मजा आ गया, मजा आ भी रहा है। दोनों तरफ देवदार के पेड़ हैं लबालब। और अगर आप कभी यहां पे बरसात यानी कि नवंबर दिसंबर में, जनवरी फरवरी में आते हो तो बहुत ही सुंदर होगा यहाँ का नज़ारा, क्योंकि बर्फ उसकी टाइम होती है और शानदार ऐसा लग रहा है जैसे फिल्मों में आ गए हम। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो आप जा सकते हो कर्णाताल में इनक्रेडिबल एडवेंचर करने के लिए, जो कि कैंप से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कोड़िया इको पार्क के बारे में, और आपको वहां का जितना मेरे से हो सकता था मैं उतना आपको दिखाने की कोशिश की। और गाइस, अगर आप ऐसे